हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, वैसे तो मैं हर संडे को क्यों नहीं वीडियो लाता हूं, लेकिन इस बार संडे को मैं व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं ला पाया, जिसकी वजह से वीडियो दो दिन लेट से आ रही है। इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, इस बार आप लोगों ने क्रिकेटर बनने से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के हर सवाल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड यूजफुल और मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो फिर चलिए, आपका बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहला सवाल पूछा सुमेर ने। इन्होंने लिखा है कि भाई, इंडिया अंडर 19 खेलने में कितने साल लगते हैं फॉर बैट्समैन, प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई, मैं आपको बता दूं कि इंडिया अंडर 19 खेलने में, रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए या फिर इंडिया के लिए खेलने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। आप कभी भी खेल सकते हो। यह आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, यह आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कितना मेहनत कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप जल्दी इंडिया अंडर 19 खेल सकते हो। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप 10 साल में भी इंडिया अंडर 19 नहीं खेल पाओगे। इसीलिए इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है, आप कभी भी इंडिया अंडर 19 खेल सकते हो। दोस्तों, दूसरा सवाल पूछा रोहित विश्वजीत ने। इन्होंने लिखा है कि सर, क्या क्रिकेट अच्छा खेलने वाला लड़का बिना 3 साल रेजिडेंटल के साथ दूसरे स्टेट से खेल सकता है? तो भाई, मैं आपको बता दूं कि आप चाहे अच्छा क्रिकेट खेलो या फिर ख़राब क्रिकेट खेलो, आपको रेजिडेंटल प्रूफ देना ही पड़ेगा। यह BCCI का रूल है, यह रूल सबको फॉलो करना पड़ता है। अगर यह रूल ना बनाया गया होता तो जितने भी लोकल बच्चे, उनके साथ यह नाइंसाफ़ी होती। इसीलिए जितने भी लोग दूसरे स्टेट से खेलना चाहते हैं, उनको 3 साल का रेजिडेंटल प्रूफ देना ही पड़ता है। दोस्तों, अगला सवाल है श्रेयांश सैबले की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि क्या हम बिना डिस्ट्रिक्ट खेले स्टेट का ट्रायल दे सकते हैं, लव यू। सबसे पहले लव यू टू भाई, और मैं आपको बता दूं कि यह बहुत कम ही देखा जाता है कि जो भी बच्चे डिस्ट्रिक्ट नहीं खेले होते हैं उनको स्टेट का ट्रायल नहीं देने मिलता है। 100 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो बिना डिस्ट्रिक्ट खेले भी स्टेट का ट्रायल दे सकते हैं या फिर स्टेट के लिए खेल सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है। उन बच्चों को सिर्फ बड़े बड़े कोच ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप ये मानकर मत चलो कि बिना डिस्ट्रिक्ट खेले आप स्टेट का ट्रायल दे सकते हैं। आप हमेशा पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही खेलने के लिए सोचें। जब आप डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल लेंगे तब आप अपने आप स्टेट के लिए खेल सकते हैं या फिर स्टेट का ट्रायल दे सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अमन कुमार की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि सर, मैं 18+ हूँ और मैं 10th और 12th पास कर चुका हूँ, अगर आधार को चेंज करवाए तो क्या होगा, मैं UP से हूँ और दिल्ली से खेलना चाहता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी सर। तो भाई, जैसा कि आप बता रहे हो कि आप 10th और 12th पास कर चुके हो, इसका मतलब जो DOB आपके 10th क्लास के मार्कशीट में है वही आपकी असली DOB मानी जाएगी। अगर आप अपना DOB चेंज करवा के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते हो और आपको BCCI पकड़ लेती तो आपके ऊपर लाइफ टाइम का बैन लग सकता है, क्योंकि BCCI आपसे बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ 10th क्लास की मार्कशीट भी मांगती है। इसीलिए अगर हो सके तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज ना करवाएं, और आप जिस भी एज में हैं आप उसी एज कैटेगरी की तैयारी करें। दोस्तों, अगला सवाल पूछा MS स्पोर्ट्स ने। इन्होंने लिखा है कि शादीशुदा बंदे क्रिकेटर कैसे बने। तो भाई, मैं आपको बता दूं कि यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने शादी किस एज में की है। अगर आपने 18 या 20 साल की एज में शादी की है और आप उससे पहले क्रिकेट खेलते थे तब आपके क्रिकेटर बनने के चांस हैं, और अगर आपने 30 या 35 साल की एज में शादी की है और उससे पहले आप कभी भी क्रिकेट नहीं खेले हो तब आपके क्रिकेटर बनने के चांस बहुत ही कम है। इसीलिए अगर आप 20-22 साल के हो तो आप ओपन एज कैटेगरी की तैयारी करो या फिर रणजी ट्रॉफी की तैयारी करो, आप क्रिकेटर बन सकते हो। दोस्तों, अगला सवाल है क्रिकेट शॉर्ट्स वीडियो की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि झारखंड का बेस्ट क्रिकेट एकेडमी पर वीडियो बनाइए भैया, जिसमें हॉस्टल और जिम हो। तो भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसका कमेंट में जवाब देता तो सिर्फ आपको पता चलता झारखंड की बेस्ट क्रिकेट एकेडमी के बारे में। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया जाए, ताकि आप जैसे बहुत सारे लोगों को झारखंड की बेस्ट क्रिकेट एकेडमी के बारे में पता चल सके। इसीलिए इस टॉपिक पर मैं बहुत ही जल्द एक पार्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ, और जब वीडियो बन जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उमेश कुमार की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि मैं 17 साल का हूँ, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर सकता हूँ, अंडर 19 खेल सकता हूँ, कानपुर क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लूँगा, सही है, प्लीज़ बताओ सर। तो भाई, जैसा कि आप बता रहे हो कि आपकी एज 17 साल हो चुकी है और आपने अभी तक एकेडमी ज्वाइन नहीं की है, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द एकेडमी ज्वाइन कर लें। और रही बात अंडर 19 खेलने की, तो मैं आपको बता दूं कि आपके अंडर 19 खेलने के चांस बहुत कम है, क्योंकि अगर कोई भी एकेडमी शुरुआत में एकेडमी ज्वाइन करता है तो उसको 1 या 2 साल तो अपने बेसिक्स को क्लियर करने में ही लग जाता है। इसलिए आपके अभी अंडर 19 खेलने के चांस बहुत कम है। ऐसा नहीं कि आप खेल नहीं सकते, आप खेल सकते हो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाना होगा। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाओगे तभी आप इस एज में इंडिया अंडर 19 खेल सकते हो।
अगर आप इंडिया अंडर 19 नहीं भी खेल पाते हो तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी ओपन एज कैटेगरी तैयारी कर सकते हो, रणजी ट्रॉफी की तैयारी कर सकते हो। आपके पास अभी 5-6 साल का वक्त है। दोस्तों अगला सवाल पूछा प्रसन्नजीत बनर्जी ने। इन्होंने लिखा है कि आई हैव ज्वाइंट क्रिकेट अकेडमी एट 14 ईयर्स बट बिकमिंग अ क्रिकेटर टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मे बी आई विल बी 26 or 27 ईयर्स ओल्ड। सो वाट स्ट्रीम शुड आई चूज आफ्टर 12th एंड शुड आई स्टडी इंजीनियरिंग बिकॉज माई पेरेंट्स वॉन्ट टू बिकम ए इंजीनियर। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको इंजीनियर बनना है या फिर क्रिकेटर। आपको जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है आप उस चीज़ की तैयारी करो। अगर आपको क्रिकेटर बनने का शौक है तो आप क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत करो। अगर आपको इंजीनियर बनना तो फिर आप इंजीनियर बनने की पढ़ाई करो। आपको जो चीज़ बनना है उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और जो चीज़ आप नहीं बनना चाहते हो उसको सेकंड ऑप्शन के रूप में लेके चलो। मान लो अगर आप क्रिकेटर बनने की ठान लिए हो तो फिर आप क्रिकेटर बनने के लिए ही मेहनत करो, पढ़ाई को आप सेकंड ऑप्शन के रूप में लेके चलो। दोस्तों अगला सवाल पूछा विशाल यादव ने। इन्होंने लिखा है कि भाई हमें कोई अच्छी और थोड़ी बजटदार एकेडमी में ज्वाइन करवा दो। तो भाई मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं कोई एकेडमी ज्वाइन तो नहीं करवा सकता। मैं सिर्फ आपको सही गाइडेंस दे सकता हूं, मैं आपको सही एकेडमी के बारे में बता सकता हूं। उससे ज़्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर रहता हूं। आप किसी और शहर में रहते हो, मैं किसी और शहर में रहता हूं। इसलिए मैं चाहकर भी आपको एडमिशन नहीं दिलवा सकता। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता हूं, मैं सिर्फ आपको सही एकेडमी बता सकता हूं। आपको उसमें खुद एडमिशन लेना होगा। तो दोस्तों आज के Q&A वीडियो में बस इतने सवाल पिक किए गए थे। आई होप आपको इस Q&A वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।